प्रखनली शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ ये उस फीमेल में के लिए वरदान साबित हुई है जिस फीमेल का यूटेरस और ओवरी पुंडपेन सही है लेकिन फैलोपियन ट्यूब विकृत है। फैलोपियन ट्यूब जब विकृत रहते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि ओव्यूलेशन होगा तो ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ ही नहीं सकता है और आ ही गया तो फैलोपियन ट्यूब से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि फैलोपियन ट्यूब क्या रहता है, विकृत रहता है, डैमेज रहता है। फैलोपियन ट्यूब जब विकृत रहता है तो ऐसे दंपति भी बंधी होते हैं, इनफर्टिलिटी होते हैं, संतान उत्पन्न नेचुरली रूप से नहीं कर सकते हैं। तो आर्ट के माध्यम में पहला प्रकार है आपको प्रखनली शिशु, और प्रखनली शिशु किसके लिए है, जिसका ओवरी और यूटेरस सही है लेकिन फैलोपियन ट्यूब विकृत है। जिस फीमेल का फैलोपियन ट्यूब विकृत रहता है तो वह नेचुरली रूप से मां नहीं बन सकते, लेकिन यदि ओवरी सही है तो ओव्यूलेशन भी सही से होगा, ओव्यूलेशन सही से होगा और यूटेरस यदि सही है तो गर्भ का विकास भी सही से होगा, गर्भ का विकास भी सही से होगा। तो फैलोपियन ट्यूब जब डैमेज हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, ओवम को निकाल लिया जाता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा और निकाल करके कृत्रिम माध्यम पर रखा जाता है। साथ ही उस फीमेल के जो हस्बैंड है उसका स्पर्म निकाल करके कृत्रिम माध्यम में ही फर्टिलाइज कराया जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है कृत्रिम माध्यम में तो फर्टिलाइजेशन करा करके एक ट्यूब में रखा जाता है, शीशा का एक ट्यूब होता है उसमें रखा जाता है। और जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट जब एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा 32 कोशिका वाले, कितने कोशिके में 32 सेल में जब एम्ब्रायो बन जाएंगे, भ्रूण का विकास हो जाएगा, तब इस 32 कोशिकीय एम्ब्रायो को उस स्त्री के गर्भ में अर्थात यूटेरस में फिर से इम्प्लांट कर दिया जाएगा। उसके बाद नॉर्मली रूप से गर्भ का विकास 9 महीनों तक होगा और 9 महीने पूर्ण होने के बाद सामान्य प्रसव द्वारा जिस तरह से पार्चुरेशन होगी उसी तरह प्रसव होगा और संतान उत्पन्न हो जाएगा। यही है टेस्ट ट्यूब बेबी। आर्ट का सबसे पहला, सबसे सक्सेस, सबसे अच्छा प्रखनली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या कह सकते हैं, तो जो स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती हैं उन स्त्रियों के ओवम को कृत्रिम माध्यम पर स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज करा करके, निषेचित करा करके पुनः एम्ब्रायो को यूटरस में रोपित कर दिया जाता है। सामान्य प्रसव के बाद जो शिशु जन्म लेता है उस शिशु को, उस चाइल्ड को प्रखनली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। कुछ स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, ऐसी स्थिति में उन स्त्रियों के ओवम को कृत्रिम माध्यम पर स्पर्म द्वारा निषेचित करा करके पुनः एम्ब्रायो को गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। सामान्य प्रसव के बाद जो संतान उत्पन्न होता है उसे प्रखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा किस स्त्रियों का संतान उत्पन्न होगा, जिस स्त्री का यूटेरस सही है, ओवरी भी पुंडपेन सही है और फैलोपियन ट्यूब विकृत है, तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, ओवम भी ओव्यूलेट होंगे और ओव्यूलेट होने और फैलोपियन ट्यूब में भी आ भी गए तो फैलोपियन ट्यूब से बाहर नहीं आ सकते अर्थात ओवम समाप्त होगा। तो ऐसी स्त्रियों का ओवम को निकाल लिया जाता है और निकाल करके उसके हस्बैंड के स्पर्म द्वारा ही कृत्रिम माध्यम पर रह करके फर्टिलाइज कराया जाता है, एक ट्यूब में रखा जाता है। और जब एम्ब्रायो बनता है 32 कोशिकीय एम्ब्रायो बन जाने के बाद
पुनः उस स्त्री के, जिस स्त्री का उभम था उसके गर्भ में इम्प्लांट कर दिया जाता है, अर्थात रोपित कर दिया जाता है। उसके बच्चों का गर्भ में सामान्य विकास होता है, जैसे अन्य सभी स्त्रियों में होता है। सामान्य विकास होने का जब 9 महीने पूर्ण होते हैं तो सामान्य प्रसव होंगे। सामान्य प्रसव के उपरांत जो चाइल्ड उत्पन्न होगा उसे प्रखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। कुछ स्त्रियों में यूटेरस भी सही है, ओवरी भी सही है, फैलोपियन ट्यूब भी सही है, कहने का मतलब फीमेल पुंडपेन स्वस्थ है, जनन के दृष्टिकोण से भी शारीरिक तो होंगे भी। इसके अलावा उसके हस्बैंड जो होंगे यदि उसमें स्पर्म ही कम बनता हो तो वही फर्टिलाइज नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भी प्रखनली शिशु का सहारा लिया जाता है, फिर उस फीमेल के ओवम को बाहर निकाल करके स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज करा करके जब तक इम्ब्रायो 32 कोशिका वाला बनते हैं तब तक रखा जाता है टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद फिर उस फीमेल के गर्भ में इम्प्लांट कर दिया जाता है। उसका सामान्य विकास होना शुरू होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, यदि स्त्री में फलोपियन ट्यूब है तो उसका हो सकता है, और यदि किसी पुरुष में स्पर्म कम बनता हो तो वह सामान्य रूप से गर्भधारण स्त्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। कम संख्या में बनेंगे तो हो सकता है नहीं पहुंच पाएंगे, फर्टिलाइज नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में यदि स्पर्म को बाहर निकाल कर फर्टिलाइज किया जाएगा तो फर्टिलाइज कराने के लिए एक ही स्पर्म काफी है, कोई एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है ना। और नेचुरली रूप से फर्टिलाइज होने के लिए है ना, फीमेल बॉडी के अंदर आंतरिक रूप से फर्टिलाइज होने के लिए 3 से 5 ml सीमेन की जरूरत होगा, और उसमें स्पर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए, 30 से 50 करोड़ है ना, इतनी करोड़ में होनी चाहिए, वह सामान्य रूप से रहना चाहिए। उससे यदि कम होते हैं, यदि संख्या कम बनते हैं, इसका मतलब हो गया जो स्पर्म बनेगा भी उसमें एक्टिविटी भी कम होगा, हर दृष्टिकोण से कमजोर होंगे, अर्थात फलोपियन ट्यूब तक स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा, उतना देर जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए फर्टिलाइज नहीं हो सकता है। और जब स्पर्म को अब निकाल करके फर्टिलाइज कराया जाएगा तो वह बहुत ही कम समय में हो जाएगा, एक ही स्पर्म से हो जाएगा। प्रखनली शिशु उन दंपतियों के लिए है जिनमें यदि फीमेल है तो फलोपियन ट्यूब क्षतिग्रस्त है या विकृत है, किसी न किसी कारण हो सकता है फलोपियन ट्यूब ही की नली ही बंद हो है ना, या फलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो, कई सारे कारण हो सकते हैं तो संतान उत्पन्न नहीं हो सकता उसके लिए। इसके अलावा जिस मेल में स्पर्म कम बनता हो तो वह भी नेचुरली रूप से पेरेंट्स नहीं बन सकते, इस माध्यम के द्वारा प्रखनली शिशु द्वारा खुद के संतान का पेरेंट्स बन जाएंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रखनली शिशु उन स्त्रियों के लिए है जो बंद होते हैं, गर्भधारण नहीं कर पाती है, जिन स्त्रियों का फैलोपियन ट्यूब है ना विकृत रहता है। इसके अलावा उन पुरुषों के लिए टेबी वरदान साबित हुआ जिनके में स्पर्म कम संख्या में बनते हैं। विकृत फैलोपियन ट्यूब वाले फीमेल का ओवम को निकाल करके कृत्रिम माध्यम पर रखा जाता है ताकि ओवम जीवित रहे, और उसके हस्बैंड का स्पर्म निकाल करके फर्टिलाइज कराया जाता है, और उसको एक ट्यूब में रखा जाता है, शीशा का ट्यूब होता है, उसमें फर्टिलाइज होने का जायगोट और जायगोट से इम्ब्रायो बनता है। जब इम्ब्रायो 32 कोशिका वाला हो जाता है, जिस फीमेल के ओवम निकाला गया उसी फीमेल के यूटेरस में गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी उन दंपति के लिए है जो बंद होते हैं, बंद किस रूप से, यदि फीमेल है तो फैलोपियन ट्यूब विकृत होगा, मेल है तो यदि उसमें स्पर्म कम बनता होगा, तो ऐसे दंपति यदि चाहे अपना संतान हो, खुद का संतान हो, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर की देखरेख में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा फीमेल के ओवम को निकाल करके कृत्रिम माध्यम पर रखा जाता है जिससे ओवम जीवित रहता है। उसके बाद उसके हस्बैंड का स्पर्म निकाल करके फर्टिलाइज कराया जाता है, फर्टिलाइज के उपरांत जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर इम्ब्रायो बनता है। जब इम्ब्रायो 32 कोशिका वाला हो जाता है तब उस इम्ब्रायो को उस फीमेल के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। उसके बाद गर्भ का सामान्य विकास होता है 9 महीनों तक। जब 9 महीने पूर्ण हो जाती है
तब सामान्य प्रसव द्वारा चाइल्ड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो शिशु उत्पन्न होगा उसे ही प्रखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। प्रखनली शिशु उत्पन्न करने का प्रयास इटली के वैज्ञानिक थे डॉक्टर पेट्रुसाई ने किया था, लेकिन अफसोस ये सक्सेस नहीं हो पाया। ये मात्र 29 दिन तक ही एम्ब्रियो जीवित रह पाया, लेकिन इस प्रयोग से बायोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति आ गई, उन बंद दंपतियों के लिए वरदान साबित हुआ। उसके बाद सर्वप्रथम प्रखनली शिशु उत्पन्न हुआ 25 जुलाई 1978 को। लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन रखा गया। उत्पन्न लड़की का नाम क्या रखा गया? लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन के पेरेंट्स लेसले और गिलबर्ट ब्राउन। लेसले और गिलबर्ट ब्राउन के द्वारा 25 जुलाई 1978 को सर्वप्रथम प्रखनली शिशु डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड और डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो की देखरेख में संपन्न हुआ। तो सर्वप्रथम प्रखनली शिशु का नाम रखा गया लुइस जॉय ब्राउन। सर्वप्रथम प्रखनली शिशु कौन? लुइस जॉय ब्राउन। कहां पर? इंग्लैंड में। उसके बाद भारत में भी प्रखनली शिशु उत्पन्न हुआ 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को। उसे यह भी लड़की पैदा हुई थी और इनका नाम रखा गया कनुप्रिया अग्रवाल। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के देखरेख में यह संपन्न किया गया। तो अब जो बंद दंपति हैं, यदि उसका फेलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार के विकृति हैं, फर्टिलाइज ईग का विकास नहीं हो पाता हो, या उन मेल के लिए जिसमें स्पर्म कम संख्या में बनता हो, उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऑप्शन के रूप में उपलब्ध है। ओवम को निकाला कैसे जाता है? स्त्री के जनन तंत्र में जो अनिषेचित अंडाणु है, जो ओवम है, उस ओवम को विशेष सिरिंज के मदद से निकाला जाता है। विशेष सिरिंज के मदद से, है ना, विशेषज्ञ डॉक्टर निकालते हैं। फिर इसको स्टेराइज करके सुरक्षित कर लिया जाता है। उसके बाद एंड है, उसके स्पर्म को भी निकाला जाता है, स्पर्म को, और फर्टिलाइज करा करके जायगोट का निर्माण कर लिया जाता है। जायगोट बनने के उपरांत जायगोट का विकास होगा तो एम्ब्रियो कहलाएगा। जब एम्ब्रियो 32 कोशिका वाला हो जाता है तब जाकर फिर उस फीमेल के यूटेरस में रोपित कर दिया जाता है। मेल का ओवम कैसे निकाला जाएगा? एक विशेष सिरिंज के मदद से। ओवम को निकाल कर कहां रखा जाता है? कृत्रिम माध्यम पर, है ना, उसको स्टेराइज कर लिया जाता है जिससे ओवम सुरक्षित रहे। उसके बाद स्पर्म, उसके हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करा करके जायगोट प्राप्त होगा। जायगोट का विकास होगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो जब 32 कोशिका वाले हो जाएंगे तब उस फीमेल के यूटेरस में, गर्भाशय में फिर से स्थापित कर दिया जाता है। इससे क्या आखिर फायदा है? तो उन फीमेल के लिए वरदान है जिसका फेलोपियन ट्यूब विकृत था, उन मेल के लिए वरदान है, उन पुरुष के लिए वरदान है जिसमें कम संख्या में स्पर्म बनता हो। तीसरा, यदि इस प्रकार जो एम्ब्रियो बनाया उसको आप एम्ब्रियो कक्ष में 10 वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। यदि संतान अभी उत्पन्न नहीं करना है तो आप एम्ब्रियो को जो है ना एम्ब्रियो कक्ष में रख सकते हैं, और 10 वर्ष के अंदर जब चाहे आप संतान उत्पन्न करने के सोचे हैं तब जाकर के आप एम्ब्रियो को अपने घर में स्थापित करवा सकते हैं। इसके अलावे अच्छे लक्षणों वाली स्त्रियों से ओवम भी प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे लक्षण वाले स्पर्म और ओवम से एम्ब्रियो भी उत्पन्न किया जा सकता है, और यह उन स्त्रियों के लिए भी वरदान साबित होगा जो मां बनने की कगार पर नहीं है, जिसकी उम्र ज्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो बनाया निर्मित भ्रूण है उसको अपने गर्भ में रख सकते हैं। सरोगेट मदर या परिचारक मां, जिसे नर्स मदर भी कहा जाता है, कुछ फीमेल में ओव्यूलेट भी होंगे, मतलब ओवम भी बाहर निकलेंगे, फर्टिलाइज भी होगा, है ना, एम्ब्रियो ही बनेगा, लेकिन उसका यूटेरस गर्भाशय
काम नहीं करेगा। गर्भाशय में कोई ना कोई विकृति रहेगा। किसमें विकृति रहता है? विकृति किसमें? गर्भाशय में। जिन स्त्रियों के गर्भाशय ही विकृत हैं, है ना, तो वह अपने संतान को गर्भ में नहीं रख सकते हैं, और वह चाहती हो कि हमें खुद का संतान हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर मदद के द्वारा उस स्त्री के ओभम को निकाल करके उसके हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करा करके 32 कोशिकीय भ्रूण बना करके किसी दूसरी महिला के गर्भ में से इम्प्लांट कर दिया जाता है। उसमें फिर सामान्य रूप से गर्भ का विकास होगा और 9 महीने पूरा होने के उपरांत जो है सामान्य प्रसव होगा। तो जन्म कोई और देता है, ओवम और स्पर्म किसी और का रहता है। तो जन्म देने वाले यदि ओवम स्पर्म किसी और का, माँ तो आके वही हुआ, लेकिन जन्म देने वाली माँ जो हो जाएगी उसी को सरोगेट मदर कहा जाता है। ये आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, यदि रिलेटिव नहीं होंगे तो आप जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो इन सबसे स्पेशलिस्ट हैं वहां पर कई सारे नर्स रहती है, वो आपसे रुपया लेंगे, है ना, और आपके द्वारा जो भ्रूण होगा उसको घर में रखेंगे, जब सामान्य प्रसव होगा तो आपको दे दिया जाएगा। उसी को नर्स मदर या परिचारक माँ भी कहा जाता है। खुद का संतान तो हुआ लेकिन सिर्फ 9 महीनों तक घर में उसे पोषित नहीं किया गया, घर में रखा नहीं गया, संतान खुद का ही हुआ, ओवम और स्पर्म पेरेंट्स का ही हुआ। सिर्फ जो है बच्चों का विकास किसी अन्य महिलाओं के गर्भाशय में हुआ। तो ऐसे मदर को सरोगेट मदर या परिचारक माँ कहा जाता है।